वेलकम टू FBR इंस्टीट्यूट फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस ट्रेनिंग मॉड्यूल 3। इस मॉड्यूल में हम ये जानेंगे कि बेसिक टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स क्या हैं और ये हमारी पर्सनालिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फिंगरप्रिंट एनालिसिस जो साइंस है, इसमें हम फिंगरप्रिंट्स के जो फ्लो हैं उनको देखते हैं, उनको समझते हैं। ये साइंस की जो शुरुआत है आज से 150 साल पहले हुई थी, जब डॉक्टर फ्रांसिस गाल्टन, डॉक्टर ER हेनरी और विलियम हर्शल्स ने इन फिंगरप्रिंट्स को एक क्रिमिनल का डेटाबेस बनाने में यूज किया गया था, ताकि वो क्रिमिनल्स की पहचान कर सके उन फिंगरप्रिंट से। जब एक बहुत बड़ा डेटाबेस इकट्ठा हुआ, फ्रांसिस गाल्टन ने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि क्या हम फिंगरप्रिंट से ये डिकोड कर सकते हैं कि आदमी क्रिमिनल बनेगा या नहीं बनेगा, या उसकी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। वहां से इस साइंस में लोगों का इंटरेस्ट शुरू हुआ और इस साइंस को डर्मेटोग्लिफिक्स का नाम दिया गया। डर्मा मीन्स स्किन, ग्लिफिक्स मीन जो स्किन के ऊपर जो पैटर्न्स हैं, और उनकी स्टडी को हम बोलते हैं डर्मेटोग्लिफिक्स। तो यहाँ से पूरी साइंस शुरू हुई थी। अब ये साइंस बढ़ते बढ़ते 1960 के आसपास डॉक्टर हेरल्ड कमिंस ने इसको पीक पे ले गए। उन्होंने काफी फिंगरप्रिंट पैटर्न्स को डिकोड किया और उसको काफी एक्यूरेटली पर्सनैलिटी को इंटरप्रेट कर दिया, जिससे हमें आइडिया लगना शुरू हो गया कि अगर ये फिंगरप्रिंट टाइप आता है या पैटर्न आता है तो उसकी पर्सनैलिटी ये होगी। और उसके बाद इस साइंस को काफी बढ़िया तरीके से यूज किया गया क्रिमिनल साइकोलॉजी में भी और काफी जगह और। लेकिन आज ये साइंस लोगों का टैलेंट बताने के लिए भी यूज की जानी शुरू हो गई। तो फिंगरप्रिंट्स, अब सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, तो क्या आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं? फिंगरप्रिंट्स चाहे अलग अलग हो, लेकिन उनको एक कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जैसे मैंने आपको पिछले मॉड्यूल्स में बताया था कि फिंगरप्रिंट्स में दो मेन चीजें होती हैं, एक होती है रिजेस और एक होती है माइनेशियल, जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं। तो जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं वो फिंगरप्रिंट्स को यूनिक बनाती हैं, जो सब में सेम नहीं होती। कोई छोटी लाइन कहीं पे होती है, कहीं कहीं पे होती है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस रिजेस होती हैं वो सबका एक पैटर्न होता है फ्लो करने का, और वो ब्रॉडली हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं, बेसिकली तीन तरह के फिंगरप्रिंट टाइप्स होते हैं, आर्क्स, लूप्स और वर्ल्स। आर्क्स में अगर आप, जैसे आप देख सकते हैं कि रिजेस एक तरफ एंटर करती हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती हैं, तो ये एक पहाड़ की शेप है जहां पर रिजेस आई और गई। इसमें ना तो कोई कोर होती है ना कोई डेल्टा होता है। दिखाई गई इमेजेस में अगर आप देखेंगे तो रेड कलर से कोर को हाईलाइट किया गया है और येलो कलर से आपके डेल्टा को हाईलाइट किया गया है। तो आर्क्स में आपको ना तो कोई कोर दिखेगा ना आपको कोई डेल्टा दिखेगा, सिंपल रिजेस आई और फ्लो हो गई, बाहर निकल गई। अगर हम लूप्स की बात करें तो लूप्स में क्या होता है, रिजेस एंटर करती हैं, पूरा घूमकर यू टर्न लेकर वापस आती हैं। जैसे कि हम मान लीजिए एक नदी का फ्लो है, वो गई ऊपर जाके आई, वापस आई और बाहर निकल गई, तो उस तरह से पानी का फ्लो चलता है। तो लूप्स में एक कोर होती है और एक डेल्टा होता है। अब अगर बात करें वर्ल्स की, जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, वर्ल्स में क्या होता है कि रिजेस शुरू होती हैं और अंदर ही घूमती रहती हैं, जैसे हम कहते हैं कि सर्कल ले रही हैं बार बार, एक दूसरे के ऊपर ही घूमती रहती हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्ल्स। वर्ल्स बेसिकली इनमें एक कोर होता है और दो डेल्टा होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक रेड कलर से कोर को हाईलाइट किया गया है और दो येलो से आपको डेल्टा हाईलाइट किया गया। सर, नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि माँ को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, तो क्या मैं जानना चाहूंगी कि अगर माँ अच्छा सोचती है, अच्छा खाती है या अच्छा बिहेवियर रखती है, तो इससे बच्चे के फिंगरप्रिंट्स पर कोई इफेक्ट होता है? बिल्कुल, माँ की सोच का बच्चे के फिंगरप्रिंट्स पे बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे कि आपने अगर महाभारत में भी सुना हो कि अभिमन्यु जब माँ के पेट में था तो उसने वहीं से चक्रव्यूह के अंदर कैसे एंटर करना है सीख लिया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अच्छा खाना, अच्छा पीना माँ के लिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चा जैसा पैदा होना है वो तो पैदा हो ही जाएगा। तो क्या थॉट किसी तरीके से बच्चे की पर्सनालिटी को इफेक्ट करती है? तो इसके ऊपर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे हम, मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं, आर्क्स, लूप्स और वर्ल्स। मदर ऐसा क्या सोचती है कि बच्चे के आर्क बन जाते हैं या लूप बनते हैं या वर्ल्स बनते हैं? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आर्क्स कब बनते हैं, माँ का किस तरह का व्यवहार रहा या थॉट प्रोसेस रहा कि बच्चे के आर्क्स पर है। जैसे आपको बताया गया था कि आर्क्स में रिजेस एक तरफ से एंटर करती हैं, दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती हैं, एक पहाड़ की शेप होती है बेसिकली। तो ये तब बनती है जब मदर अपना प्रेगनेंसी पीरियड बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रही है। इंजॉय ना करने का मतलब ये है कि वो एक डेली रूटीन में है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल पे या इमोशनल पॉइंट पे वो एक्टिविटीज नहीं चल रही हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक वाइफ का हस्बैंड जो है बहुत दूर रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो उससे बात भी नहीं कर पा रही, मिल भी नहीं पा रही, और वो अपने डेली एक्टिविटीज में एंगेज है। तो उस केस में क्या होता है कि लेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्साइटमेंट भी नहीं है, डेली रूटीन फॉलो कर रही है, तो
पैटर्न जो आता है वो आर्क्स टाइप का बन जाता है जिसमें इग्रेजिस आती हैं और बाहर निकल जाती हैं। बहुत ज्यादा मेंटल एक्साइटमेंट नहीं है उस केस में आर्क्स बनने शुरू होते हैं। लूप्स तब बनते हैं जब मदर एक इमोशनल एक्साइटमेंट स्टेट में होती है। जैसे कि आपने मान लीजिए कि एक अच्छी ड्रेस ली, आपने पहना और आपने कहा कि मेरा ये ड्रेस कैसा लगा आपको, मैंने आपको कहा कि ये ड्रेस आपका बड़ा अच्छा लगा और आपने बाद में रिप्लाई किया बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे बताया कि मेरी ये ड्रेस बड़ी अच्छी है क्योंकि मैंने बड़े शौक से खरीदी थी। आपने अपनी खुशी मेरे से दबा के शेयर की और जब मैंने उसको रिएक्ट किया तो आपने उस पर फिर रिएक्ट किया, तो इसे कहते हैं कि मैंने खुशी ली और उसको बहुत एक्साइटमेंट तरीके से वापस किया। अब अगर मैं मान लीजिए आपको कहता है कि आपकी शर्ट बड़ी अच्छी है और लेकिन आप उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो आपने एक्साइटमेंट ली लेकिन उसको रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर। तो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मदर इमोशनल एक्साइटमेंट में होती है तो लूप्स बनते हैं जहां पे आपने खुशी दी और उसको दबा के वापस किया, मतलब एक्सप्रेस भी किया, अंदर नहीं दबाया खुशी को, तो वहां पे बच्चे के लूप्स बनने शुरू हो जाते हैं। लूप्स में एक डेल्टा होता है और एक कोर होती है। अब अगर बात करें वर्ल्स की, वर्ल्स तब बनते हैं जब आप कोई चीज को सोच रहे हो या मदर किसी चीज को सोच रही है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। आर्टिक केस में तो कुछ सोच ही नहीं रही थी, अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड्स में क्या है वो इंटेंसिटी से सोचती भी है उस चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल कि उसकी मन में एक चिंता है कि मेरे बेटा होगा या बेटी होगी। अब ये चिंता वो किसी को बता भी नहीं सकती लेकिन वो उसको दबा भी नहीं पा रही है कि बार बार उसके मन में बार बार आ रही है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो वो चिंता आ रही है और घूम गई है अंदर लेकिन बाहर नहीं आ पा रही। तो उस केस में क्या होता है कि वो चिंताएं अंदर दब जाती हैं और बच्चे के वर्ल्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। जितनी गहरी चिंता होगी उतनी ही ज्यादा बड़ा वर्ल्ड्स बन जाएगा। माँ की जिस तरह की सोच रहेगी उस तरह के पैटर्न्स बच्चे के फिंगर्स पे आपको देखने को मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि अगर मदर बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं कर रही थी तभी आर्क्स आए या बहुत इंजॉय कर रही थी तब लूप्स आए। होता क्या है कि कई कई बार आपको ट्विंस बच्चे मिलेंगे जहां पे क्या होता है कि एक बच्चे के वर्ल्ड्स हैं और एक बच्चे के आर्क है। अब दोनों पैटर्न्स अलग अलग हैं तो उस स्टेट में ये नहीं हो सकता कि माँ दोनों चीजें एक साथ सोच रही थी। वो बेसिकली ऐसे केसेस तब पाए जाते हैं जब माँ के पेट में बच्चे दोनों अलग अलग पोजीशन में हैं। जैसे मान लीजिए दोनों बच्चों का जो सर है वो अलग अलग साइड पे था, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तरफ प्रेशर पड़ रहा था और दूसरी तरफ बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ा, तो उस केस में आपको ट्विंस बच्चों के अलग अलग फिंगरप्रिंट दिखाई देंगे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर बच्चे को प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर है, सेम लोकेशन पे है माँ के पेट में, तो मोस्टली बच्चों के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ट्विंस के वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो इसीलिए जब भी फिंगरप्रिंट्स देखें तो मदर से एक बार जरूर कंफर्म करें कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी रही थी, क्या वो किस परेशानी से वे निकली है, ताकि आपको इस पे और रिसर्च करने से आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में जो हमने ये कैटेगराइजेशन की है वो किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये आपको हेल्प करेगी समझने के लिए कि माँ किस स्टेट से निकली है और अब बच्चा उसके ऊपर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इसी चीज को और बेहतर समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज करूंगा कि पुराने जमाने में इन फिंगरप्रिंट टाइप्स का क्या मतलब हुआ करता था। अब जैसे कि अगर पुराने जमाने में किसी आदमी के आर्क्स पाए जाते थे, हम उसे कहते थे कि वो बहुत हार्ड वर्कर है। जैसे कि अगर आप कारीगर की बात करें, जो बहुत ज्यादा मेहनती लोग होते थे, जो फिजिकल हार्डवर्क बहुत ज्यादा करते थे, उनके आर्क्स पाए जाते थे। लूप्स उन लोगों के पाए जाते थे जो डेली रूटीन्स फॉलो करते हैं, जैसे कि प्रजा, जो सोसाइटी लोग होते हैं, अपना डेली एक्टिविटीज करते हैं, घर, गाड़ी, बीवी, जो सोसाइटी को रन करने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उन सब चीजों को डील करते थे। अब अगर आप देखें, आर्क्स वाले कलाकार थे, लूप वाले सोसाइटी वाले लोग हैं जो लॉ सेट किए गए उसको फॉलो करते हैं, सोसाइटीज में जो काम करने उसको किया जाता है। अब जो वर्ल्ड्स थे, वर्ल्ड्स बेसिकली पाए जाते थे राजाओं या रानियों के। वो इसलिए पाए जाते थे क्योंकि अगर जब राजा कहीं युद्ध पे जा रहा है तो रानी बहुत ज्यादा उसके आगे अपना दुख शेयर नहीं कर पाती थी, वो उसको दबा के रखती थी, इसलिए बच्चों के वर्ल्ड्स आते थे। इसलिए कहते थे राजाओं के ही राजा पैदा होते थे आगे। इसीलिए वर्ल्ड्स को पुराने जमाने में हम कहते थे दस शंख चक्रधारी के राजा होते और राजा होते हैं। इसीलिए ये लोग जो क्या करते थे, ये लोग स्मार्ट वर्कर होते हैं, जो क्या करते हैं चीजों को मैनेज करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, ये हार्डवर्क करना पसंद नहीं करते, ये सोसाइटी में आम जिंदगी जीना पसंद नहीं करते। ये लोग अपना एक नाम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कहते हैं कि रुतबा बनाने की कोशिश करते हैं, नेम और फेम चाहिए इनको, ये ओवरऑल बड़े लेवल पे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए अगर आप समराइज करने की कोशिश करें इसको, तो वर्ल्ड्स को बेसिकली आप राजाओं की कैटेगरी में डाल दीजिए, लूप्स जो होते हैं वो आपकी प्रजा आ जाती है, और जो आर्क्स होते हैं वो कारीगर आ जाते हैं। अब हो सकता है कि आपके फिंगर्स पे कुछ आर्क्स हों, कुछ लूप्स हों और कुछ वर्ल्ड्स हों, ये चीज पॉसिबल है।
तो इसीलिए उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पांच वर्ल है और पांच लूप है, तो उस केस में क्या होता है कि उसके अंदर राजाओं वाली कैपेबिलिटी भी है और प्रजा में रहने वाली कैपेबिलिटी भी है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये वजीर बनने लायक है कि कुछ टाइम राजा के साथ बिताता है और कुछ टाइम अपने घर पे जाके बिताता है। ये हर टाइम सिर्फ प्रजा के बारे में नहीं सोच सकता, ये अपने बारे में भी सोचता है। उसी तरीके से मिक्स एंड मैच होता है और कॉम्बिनेशन को आपको यूज करना पड़ता है। जैसे अगर लूप और आर्क आ जाता है तो लूप उस बंदे को सोसाइटी ओरिएंटेड रखेगा, इमोशनल बनाएगा, और आर्क उसके अंदर हार्डवर्किंग एटीट्यूड डालेगा। तो इमोशनल एंड हार्डवर्किंग दोनों मर्ज हो जाएंगे और उस बंदे के अंदर वो काबिलियत आ जाएगी। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो वर्ल्ड है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो राजा वाली जिंदगी जिए, तो आपके अकॉर्डिंग वर्ल्ड सबसे बेस्ट है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोग ये सोचते हैं कि जो राजा हुआ करते थे उनके वर्ल्ड हैं, तो मेरे भी वर्ल्ड हों तो मैं भी राजा बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आज सबके वर्ल्ड हो जाएं तो सब राजा बन जाएंगे, तो फिर प्रजा कौन बनेगा? क्रिएटिविटी कहाँ से लाएंगे हम? ये जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है ये कौन काम करेगा? तो एक्चुअली में एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर आप स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें फिंगरप्रिंट्स का जो वर्ल्ड में निकला है, 5-10% लोगों के आर्ट्स पाए जाते हैं, 25-30% लोगों के वर्ल्ड पाए जाते हैं, और 60-65% लोगों के लूप्स पाए जाते हैं। अगर आप इन डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखें, कारीगर बहुत कम है, राजा उससे ज्यादा है और प्रजा उससे भी ज्यादा है। वो इसलिए अगर कारीगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो कला की वैल्यू खत्म हो जाएगी, और अगर राजा बहुत बढ़ जाएंगे तो फिर आपस में लड़ने लग जाएंगे, प्रजा कोई रहेगी नहीं। इसलिए प्रजा ज्यादा चाहिए, राजा उससे कम और कारीगर उससे भी कम। तो ये एक दुनिया का स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक नॉर्मल ऑर्डर बनाए रखता है। लेकिन अब हमने अपनी रिसर्च में इंटरेस्टिंग केसेस देखे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम पंजाब जाते हैं तो पंजाब में हमने देखा है कि 90% लोगों के वर्ल्ड पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप उनकी हिस्ट्री भी निकाल के देखें तो वो उनको काफी अग्रेसिव इंथुजियास्टिक माना जाता है, मनमौजा माना जाता है। वो इसीलिए होता है बिकॉज देयर फुल विद एनर्जी, उनके राजाओं टाइप का जोश है। यही चीज हमने तमिलनाडु में भी देखी है, जहां पे हमने देखा है कि वहां पे बहुत ज्यादा वर्ल्ड है। तो ये चीज जो है ये हमें बताती है कि ये लोग डोमिनेटिंग हैं, अग्रेसिव हैं, और इनके अंदर कुछ करने की इच्छा है बहुत ज्यादा। अब अगर हम थोड़ा सा महाराष्ट्र साइड पे जाते हैं, गुजरात साइड पे जाते हैं, तो वहां पे हमने देखा है कि लूप फॉर्मेशन हो रही है। तो ये लोग नॉर्मल रहते हैं, जितनी एनर्जी आपको पंजाबियों में दिखेगी शायद उतनी आपको महाराष्ट्रियंस में ना दिखे। सेम चीज हमें नॉर्थ ईस्ट में भी दिखी है। जब नॉर्थ ईस्ट के हमने फिंगरप्रिंट्स को एनालिसिस किया तो हमने देखा कि वहां पे भी लूप्स काफी ज्यादा मिले। अब बात आती है आर्क्स की। आर्क्स हमने मोस्टली वहां पाए जहां पे हमने जो एरियाज हैं महाराष्ट्र के बहुत सेक्लूडेड एरियाज हैं, जहां पे फार्मिंग वाला एरिया है, जहां पे औरतों का भी बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है, वहां पे आर्क्स की जो प्रोपोर्शन है वो हमें ज्यादा मिल रही है। कि प्रॉब्ली मदर को उतनी फ्रीडम है ही नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो जो रूटीन उनको दिया गया है उन रूटीन में रहते हुए उनको अपनी जिंदगी निकालनी पड़ती है। तो वहां पे हमने आर्क्स का डोमिनेंट ज्यादा देखा है, लेकिन फिर भी ये काफी कम पाए जा रहे हैं। तो अभी अगर हम देखें इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक हमने देखा है मोस्टली हमें वर्ल्ड दिख रहे हैं या आर्क्स दिख रहे हैं, तो इंडियंस या तो राजा हैं या फिर कारीगर हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्रजा वाला जो खुशी वाला जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो कम दिखाई दे रहे हैं, जिसपे आई थिंक हमें और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ अभी तक 3 बेसिक टाइप फिंगरप्रिंट्स के बारे में बात की है, वैसे अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों टाइप के फिंगरप्रिंट होते हैं, और सबकी पर्सनालिटी को बताना बहुत मुश्किल है। और इवन के ये साइंस अभी तक उतनी डेवलप नहीं हुई है कि हर पर्सनालिटी को अलग अलग तरीके से डीकोड कर सके। तो ये 3 बेसिक तरह की पर्सनालिटीज थी जिससे आपको मर्ज करके आप हल्का फुल्का इसको ऑल्टर कर सकते हैं। इसीलिए ये साइंस और डिफिकल्ट हो जाती है और इंटरप्रेटर का काम और ज्यादा बढ़ जाता है इस केस के अंदर। इस मॉड्यूल में हमने 3 फिंगरप्रिंट टाइप देखी हैं। अब अगले मॉड्यूल में आप और भी एक लेवल आगे जाएंगे, जहां पे आप ये देखेंगे कि और पैटर्न्स को, जो मेन टाइप के पैटर्न्स हैं, उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं और वो कैसे हमें फिंगरप्रिंट एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।